सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेके आए देखो कंप्लीट जो इंटरसेप्टर हमारे पास लेफ्ट साइड खड़ा है रेड वाला, वो आप समझो फर्स्ट जेन इंटरसेप्टर है। इंटरसेप्टर 650 जब लॉन्च हुई थी BS6 में, तब की ये वाली बाइक है। और ये डेमो पे लगा हुआ था शोरूम पे, अभी भी लगा हुआ है। टेस्ट राइड वगैरह आप लोग को चाहिए होगा तो आप लोग शोरूम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ये वाली देखो जो 2022 में आई है न्यू वाली, हालांकि दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, एक बेसिक अंतर मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कॉस्ट कटिंग के लिए किया गया। और अभी आप लोग अपने से बताना फ्रंट में खाली अच्छा लगता है कि विथ वाइजर अच्छा लगता है। मेरे को तो भाई ये खाली वाला पोर्शन ज्यादा पसंद आता है। और इनफैक्ट दोनों ही टेलीस्कोपिक फोक्स है, दोनों ही में आपको डुअल चैनल ABS है। सबसे बड़ा चेंज जो यहाँ पे है ना, वो ना आपके इंजन पे है ना आपके, तो ग्राफिक तो बहुत सारे आते हैं इंटरसेप्टर के, क्रोम वर्जन भी आते हैं, अलग अलग कलर्स आते हैं, तो कलर्स को हम लोग चेंज में नहीं गिनेंगे। और इनफैक्ट सीट वगैरह भी दोनों का सेम टाइप का है। और एग्जॉस्ट नोट पहले आप लोगों को सुनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को चेंज बताते हैं। सबसे पहले ओल्ड वाली का एग्जॉस्ट नोट आप लोग सुन लो भाई, ओल्ड वाले इंटरसेप्टर का। ये भाई इसका साउंड, एंड आपको उसका साउंड सुनाते हैं जो अभी न्यू आया है, 2022 बोल सकते हैं, 2022 वर्जन। हालांकि अभी मार्क 2 वगैरह भी आ गया इंटरसेप्टर का, लेकिन अभी तो हमारे पास यही वाला है। थोड़ा सा आवाज इसका भारी है थोड़ा सा, और मेरे ख्याल से ये सर्विस वगैरह मांग रहा होगा। सर्विस वगैरह होगा तो मे भी साउंड सेम आए, लेकिन न्यू वाली का साउंड आप लोग सुनो, मेरे को कुछ परसेंट ये वाला भारी लग रहा है। और इनफैक्ट आप इसका RPM देखोगे तो 1500 RPM में है, एंड ये वाली का RPM देखते हैं स्टार्ट करके बॉस, इसका भी RPM उतना ही में। इनिशियल साउंड इसका ज्यादा हेवी लग रहा है, आप इसका सुनो, ये वाला थोड़ा सा हेवी लग रहा है जो न्यू वाला इंटरसेप्टर है। बाकी बात दोनों का सेम स्पेक्स है भाई, 47 BHP दोनों ही प्रोड्यूस करता है, 650 cc पे दोनों है, पैरेलल ट्विन इंजन दोनों का। और इनफैक्ट एग्जॉस्ट भी आपको सेम दिखेगा दोनों में, और टेल सेक्शन वगैरह भी A to Z सब कुछ सेम दिखेगा भाई। 1% का आपको अंतर समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग इसके टायर्स देखोगे। हालांकि थोड़े से चीप हो गया भाई रॉयल एनफील्ड की तरफ से। ओल्ड जो सबसे पहला वर्जन में हमें टायर मिलता था ना, वो हमें पिरेली का टायर मिलता था जैसा आप देखो, और पिरेली का टायर का एक सेट मतलब एक पेयर का दाम अराउंड 25,000 चल जाता है जैसा मेरे को खबर मिला। लेकिन अभी कंपनी बॉस C8 का टायर यूज करने लगी है, तो ये एक बहुत ही बड़ा चेंज है बॉस। प्राइसिंग वगैरह तो मेरे ख्याल से बढ़ ही गया होगा अभी तक, क्योंकि सब बाइक्स में अलग अलग प्राइस इंक्रीमेंट हो रहे थे। और समझ जो लगभग जब वो 3 लाख का मिलता था, अभी इसका प्राइस अराउंड 3.5 तक चला गया। लेकिन वो तो अलग अलग मॉडल्स पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो शोरूम। एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि इसमें देखो C8 का टायर आपको, अब जितना भी इंटरसेप्टर है और कॉन्टिनेंटल आ रहा है ना, सब में आपको C8 का टायर दिया जा रहा है। और जो हमारे पास पुराना इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिनेंटल जो आदित्य भाई वाला है, दोनों में आपको पिरेली के टायर्स वगैरह मौजूद है। तो पिरेली इज अ बिग ब्रांड ऑफ टायर्स। C8 तो आपको सब में दिख जाएगा, लोकल कोई भी मतलब कि सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल हो गया, कम्यूटर हो गया, इनफैक्ट स्प्लेंडर हो गया, फिर अपाची हो गई, TVS हो गया, सब में आपको C8 वगैरह का टायर्स आप लोग देख ही लोगे। और पिरेली के टायर स्पेशली रॉयल इनफील्ड में आए थे इस वाले मॉडल पे, लेकिन यार अब देखो अब आपको फिर से C8 का टायर मिल रहा है, तो एक थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग का पार्ट है, लेकिन कॉस्ट कटिंग हम लोग को नजर नहीं आ रहा। बाकी बात A to Z हेडलैम्प वगैरह, मीटर वगैरह, टैंक वगैरह, डिजाइन वगैरह A to Z दोनों का सेम है। तो चलो एक ये छोटा सा रिव्यू था, छोटा सा वीडियो। बाकी बात दोनों बाइक्स देखो कितनी अच्छी लग रही है दोनों कंप्लीट। और आप लोग अगर कमेंट करोगे तो इंटरसेप्टर एंड कॉन्टिनेंटल का भी हम लोग कंपैरिजन बनाएंगे बहुत जल्द, वीडियो वो भी आ जाएगा, बस हमें वो कमेंट करके बता देना। और चलो वीडियो हम लोग करते हैं अब एंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल एक बार विजिट करना, और हमें 100K पहुंचा दो भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।